दोस्तों सलाम। आज मैं एक बड़ी ही खास कविता लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। हमने कुछ दिनों पहले लीलाधर मंडलोई की एक कविता ओबामा के रंग में ये कौन है पढ़ा था। उसका लिंक ऊपर टिकर पे आ रहा है, आप चाहें तो वो कविता भी देख सकते हैं। अब से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं BHU में हुआ करता था तब मैंने ये कविता पढ़ी और मैंने इसके जवाब में एक कविता लिखी। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि कविता विरोध में नहीं लिखी गई है, जवाब में लिखी गई है। आप सुने और बताएं कि आपको कैसी लगी। कविता का शीर्षक है मेरे हाथ का लाल झंडा। आइए सुनते हैं। ओबामा के रंग में ये वो है जिसे हम कभी भी होने नहीं देना चाहते थे, शायद ना अपने पास और ना उनके पास जो शहरों में बसते हैं हमारे अपने। मगर शायद सबसे बड़ा पेंच भी यही है कि हमें अपने लाल झंडे के साथ साथ हमारे ऐशो आराम भी चाहिए थे। हमें चाहिए था कि हम अपनी मर्सिडीज भी रखें और साथ रखें अपने लाल झंडे को भी। मगर शायद किसी को भी पता नहीं था कि मर्डॉक का मारा लाल झंडा डोमिनोज के ऊपरी कोने पे जा अटकेगा। मेरे घर तो वो झंडा आज भी मेरी सांसों में है, मगर शहर के परिजन अब भूल चुके हैं सब कुछ। वो भूल गए हैं कि उन्हें इस झंडे को कहां लगाना चाहिए था। दरअसल उन्होंने तो झंडे को ये सोचकर ऊपर लगाया होगा कि वहां से वो दुनिया को अपनी उपस्थिति का आभास कराएगा, मगर इसी मासूम सोच के चलते सब गच्चा खा गए, हम भी, हमारे परिजन भी। अब क्या करें, किसी की भी समझ से परे है। इसीलिए लाल झंडे के वहां होने का मामला आज भी पेंडिंग है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। जो मेरे हाथ में है उसे देखने पर सरकार अब मुझे नक्सलवादी कहती है। शुक्रिया।